YouTube चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वाव स्किन साइंस का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क। इसका कंप्लीट रिव्यू होगा आज के वीडियो में। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। एंड मेरा नाम है शिल्पी, मैं हूँ ब्यूटी एंड फैशन लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। मैं अच्छे अच्छे स्किन केयर रिव्यूज आपके लिए लाती रहती हूँ गाइस। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो या आप डायरेक्टली चलते हैं रिव्यू पार्ट पे। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। और गाइज, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, जो ऑयली स्किन पीपल होते हैं उनको पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि जो स्मॉल फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना पॉल्यूशन के, वो आपके फोरहेड और नोज या फिर आपका अगर फेस पे जो भी ऑयली एरिया है उस पे जाके वो डिपॉजिट हो जाते हैं। फाइनली आपको क्या दिखता है, रेडनेस, इरिटेशन या फिर एक्ने या पिंपल्स की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ये वाला जो फेस मास्क है वाव स्किन साइंस का, वो एंटी पॉल्यूशन फेस मास्क का काम करता है। तो इसमें तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, जो कि आपके स्किन पोर्स में जो इम्प्योरिटीज या पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको खींच करके बाहर निकालने का काम करता है। एंड देन सेकेंड इज लिक्विडाइज एक्सट्रैक्ट, जो कि आपकी स्किन को लाइटन करता है, अगर आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस वगैरह आ गए हैं तो उसे कम करता है। और साथ ही इसमें एल्ट्रोमोनास फर्मेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो कि आपके फेस पे जो सेटल्ड PM2.5 के पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना गाइस, उसको ये हटाने का काम करता है। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि PM2.5 के जो पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये बहुत ही हल्के होते हैं और हवा में इजीली ये फैले होते हैं, इसी वजह से आपकी स्किन पे ये बहुत आसानी से सेटल डाउन हो जाते हैं। और अगर टाइम के साथ ही आपके फेस पे सेटल डाउन होते रहे तो आपकी स्किन को परमानेंट डैमेज हो सकता है और जिसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होगा। सो बेस्ट है गाइस कि आप राइट टाइम पे सही प्रोडक्ट का यूज करना स्टार्ट करिए, जैसे कि ये वाला जो फेस मास्क है एक्टिवेटेड चारकोल वाव का, बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ऑयली स्किन पीपल होते हैं उनको डैमेज का चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उन्हें इस मास्क को वीक में 3 बार यूज करना है। जो कॉम्बिनेशन स्किन है उन्हें वीक में 2 बार और जो ड्राई स्किन है वो 1 बार यूज कर सकते हैं। सो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग एंड ये है मेन पैकेजिंग। एंड अब इसे ओपन करके मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर। बहुत थिक क्ले का टेक्सचर है, ऑलमोस्ट ग्रे या ब्लैक कलर का आप कह सकते हैं इसे। और लाइक ऑलवेज ये एक ब्रश मिलता है। रिसेंटली मैं इसका टेक्सचर चेक कर रही थी तो ये ऐसा ब्लैक सा दिख रहा है, बट ये व्हाइट कलर का होता है। और अब मैं इसे क्विकली यूज करके आपको दिखाती हूँ। बहुत एक पतली सी लेयर आपको अपने फेस पे लगानी है, आई एरिया को अवॉइड करना है। इसकी महक बहुत ही अच्छी है, थोड़ा सा कूलिंग सेंसेशन ये देता है, रिफ्रेशिंग सी इसकी स्मेल है। तो मैंने इस मास्क की एक पतली सी लेयर अपने फेस पे लगा ली है। आप चाहें तो इसे अपनी गर्दन पे भी लगा सकते हैं या फिर बैक में, और मैं इसे छोड़ूंगी 15 से 20 मिनट के लिए अपने फेस पे एंड देन आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। तो अब इसे चेक करते हैं, ये ड्राई हो चुका है और अब मैं इसे रिमूव करने जा रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है अपने फेस को वॉश करने के बाद कि मेरे फेस से जो भी पॉल्यूटेंट्स वगैरह थे काफी कुछ निकल गए हैं, ऑयल वगैरह बिल्कुल हट गया है फेस से। तो अब इस पूरे प्रोसेस को फिनिश करती हूँ मैं एलोवेरा जेल के साथ वाव स्किन साइंस के। गाइज, एलोवेरा जेल लगाने के बाद मैं आपकी अपनी स्किन आपको क्लोजली दिखाती हूँ। आज के पूरे वीडियो में मैंने कोई मेकअप वेयर नहीं किया था, आपको इससे पता चलेगा, क्योंकि मेरी आईज के पास थोड़ा सा रेडनेस है जो कि अगर मेकअप लगाया होता तो शायद ऐसे नहीं दिखता। तो काफ़ी क्लीन है मेरी स्किन और मुझे डर्ट वगैरह नहीं कुछ भी फील हो रही है, ऑयल पूरी तरह से चला गया है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ इसके जो भी इफेक्ट है मेरी स्किन पे उससे। आई होप गाइज आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू रियली इंजॉयड वॉचिंग इट, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और आपके जो भी व्यूज़ हैं वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। एंड लेट मी नो विच प्रोडक्ट आई शुड रिव्यू नेक्स्ट। सो या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।